नमस्कार साथियों, आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस हो या फिर आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस हो, और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो इसमें आप देखेंगे कि यूपीएससी की तरह ही आपके राज्यों में भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम करवाया जाता है। एमपी में एमपीपीएससी होता है, और आप देखते हैं कि यूपी में यूपीपीसीएस होता है, बिहार में बीपीएससी होता है। इस तरह के तमाम राज्यों में उनके यहाँ पीसीएस का एग्जाम होता है। या फिर आप देखिए कि वनडे एग्जाम होते रहते हैं, सेंट्रल लेवल पर अनेकों एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के। आपके स्टेट लेवल पर भी शिक्षक भर्तियाँ होती रहती हैं, पुलिस के लिए, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, आप देखिए दरोगा के लिए, पटवारी के लिए। तो इन सब में करेंट अफेयर्स से जो वर्तमान में जो घटनाएं घटती रहती हैं ना, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। और पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि 12 महीने में यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी घटनाएं घटी थी, हर महीने की करंट की घटनाओं को हम लोगों ने कवर किया था। अब आप देखेंगे 2023 लग चुका है और जनवरी महीना खत्म भी हो चुका है, तो जनवरी महीने में जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और मंथली करंट अफेयर्स के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग पुरानी क्लासों को भी देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या पूछ रहा है, कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसमें है कौस्तव चटर्जी, राजेश मेहरा, अनीस खन्ना, मुकेश काला, बताइए। तो कौस्तव चटर्जी आप देखेंगे कि भारत की 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि यह उपलब्धि एमपीएल 59वें राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में के द्वारा नई दिल्ली में हासिल की है इन्होंने, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगर आप लोग बैंक की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसमें ये ऑप्शन कह रहा है नवीन कुमार गीला, बी कह रहा है गीतांजलि चट्टोपाध्याय, सी कह रहा है जय कुमार श्रीवास्तव, और पांच कह रहा है मनीष फोगाट, तो बताइए क्या होगा। और आपको मालूम होना चाहिए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे अजय कुमार श्रीवास्तव, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन यूरो जोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश बन गया है। इसमें आप देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि आयरलैंड, बी कह रहा है क्रोएशिया, और तीसरा कह रहा है सी साइप्रस, और डी कह रहा है बुल्गारिया। तो आप देखेंगे इसमें क्रोएशिया देखने को मिलेगा। और यूरोपीय देश क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को आधिकारिक तौर पर अपनी कूना मुद्रा को अलविदा कहकर यूरो को अपनी करेंसी में के रूप में शामिल कर लिया है, और इस प्रकार क्रोएशिया ऐसा करने वाला यूरोपीय यूनियन का 20वां देश बन गया है, और इसके साथ ही क्रोएशिया शेंगेन जोन में भी प्रवेश कर लिया है इसने, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है, बताइए। इसमें आपका ए ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक, बी कह रहा है हरियाणा, सी कह रहा है छत्तीसगढ़, और डी कह रहा है गुजरात। तो एक व्यवस्था कहाँ की गई है, तो ये की गई है गुजरात में, कहाँ, गुजरात में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गुजरात के अमरेली में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया गया है। अब इस मोबाइल लैब के जरिए उत्तम नस्ल की साहिवाल गायों के साथ ही अन्य नस्लों के पशुओं के रिप्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, और IVF की मदद से जानवरों का रिप्रोडक्शन किया जाता है, और इससे गौ जातीय पशुओं की स्वदेशी नस्लों में सुधार होता है, जिससे देश में दूध उत्पादन में को भी बढ़ावा मिलता है। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि गांधीनगर इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। यहां विधानसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो यहां विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। वर्तमान में यहाँ की आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री यहाँ की भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और क्षेत्रफल में आप देखेंगे 196,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 मई 1960 में गुजरात को राज्य बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कितनी हस्तियों को 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है, बताइए। इसमें आप देखेंगे कि आपका 24, 27, 29 या 34, कितना होगा? तो आप देखेंगे प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस की 17वीं संस्करण में प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए 27 लोगों को चुना गया है। कितने? 27 लोगों को। यहाँ जिन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया उनमें विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के जगदीश चिन्नोपति, शिक्षा में भूटान के संजीव मेहता, कला संस्कृति और शिक्षा में ब्राजील के दिलीप लोंडो, अलेक्जेंडर मालिया केल भी शामिल हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान होता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। आप लोगों को मालूम होगा गांधी जी उस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि काम के लिए अन्य देशों में रहते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? AERB के नए अध्यक्ष बने हैं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1983 में। और परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद भारत में परमाणु ऊर्जा का नियामक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि दीपक सिंह चावला, अरविंद सिंह पाठक या फिर आप देखें मनीष कुमार सिंह, दिनेश कुमार शुक्ला। तो दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आप देखेंगे कि 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 6 जनवरी। तो आपको मालूम होगा कि 6 क्यों मनाया जाता है या 4 को। तो 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को 4 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लुईस बेल का जन्म हुआ था और लुईस बेल ने ही ब्रेल लिपि का को जन्म दिया था। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार क्या होता है, पूछ लेता है। और लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में पेरिस में हुआ था। नेत्रहीन लोगों के जीवन के लिए आप देखिए इस लिपि का उपयोग किया मतलब किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और इस बार की थीम रखेगी ईसो से मिली सबसे कीमती उपहारों में से एक इस रंगीन और खूबसूरत दुनिया को देखने की क्षमता। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कम से कम आप देखते 39 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस उपहार से वंचित हैं, यानी कि नहीं देख पाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा इसमें। क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछ लेता है। और देखिए क्या रहता है ना कि जब आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो उसके बारे में दिवस मनाया जा रहा है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। ठीक है, तो 4 जनवरी आप लोग लगा देंगे। कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, बताइए। के अनीसा खान, के जोया बेगम, के अनीता वर्मा, के सेवा चौहान। तो के सेवा चौहान है, ये जरूर याद रखिएगा। और आप देखिए वो लोग जो लोग कहते हैं ना कि महिलाएं लड़कियां कमजोर हैं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकती, ये उनके मुंह पर तमाचा है एक तरह से। महिलाएं हर क्षेत्र में आप देखिए जहां उन्हें मौका मिल रहा है बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन जसप्रीत बुमराह के बाद भारत की अब तक की सबसे तेज गेंदबाज बने हैं? नवनीत सैनी, टी नटराजन, उमरान मलिक, मोहसिन। तो आप देखेंगे कि उमरान मलिक बने हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, और उमरान ने यहाँ अनुभवी जसप्रीत बुमराह की रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले आप देखें बुमराह ने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी और इन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है, उमरान मलिक। अगला क्वेश्चन है, कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इसमें आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। तो यह हिमाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी देखें तो शिमला है और दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के राज्य क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस भारतीय राज्य की पहल जगह मिशन को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आप देखेंगे कि राजस्थान है या क्या है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बिहार है। तो इसमें उड़ीसा आपको देखने को मिलता है। और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है।
और यहाँ आप अगर आप लोग देखें तो विधानसभा में 147 सीटें हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। नवीन पटनायक साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिले जाएगा। यहाँ यूएन की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात होती है, आप सभी जानते हैं, और संयुक्त राष्ट्र की। और आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन बने हैं। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन उधम सिंह, सैम मेहरा, सुरेश सोनी, अमित मिर्जा। तो आप देखेंगे कि सैम मेहरा बने हैं इसके, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें, क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खेल से संबंधित इटली के मशहूर जियान लुका बियाली का 58 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, रग्बी, ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये आप देखेंगे कहाँ से, फुटबॉल से जुड़े हुए थे। किससे? फुटबॉल से जुड़े हुए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन खिलाड़ियों के बारे में भी याद रखा करिएगा, इन्होंने कई खेल खेले। और इटली की बात करें तो आप सभी जानते हैं रोम इसकी राजधानी है, ठीक है, और यूरोप में आपको देश देखने को मिलेगा। तो किससे जुड़े हुए थे? फुटबॉल से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन व्यक्ति हाल में ही पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं? पेटीएम आप लोग यूज भी तो करते होंगे ना, तो उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि वरुण सिन्हा, अक्षय चौधरी, राजेश प्रजापति, सुरेंद्र चावला। तो इसमें सुरेंद्र चावला ही हैं, याद रखिएगा, पेटीएम 2010 में आया था अगस्त में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल, मेघालय, कर्नाटक, या आप देखेंगे कि हरियाणा। तो इसमें आप लोगों को बता दूं केरल ही होगा, और वैसे भी आप देखते हैं कि इंडेक्स आते हैं तो केरल टॉप पर ही देखने को मिलता है। यहाँ केरल, पता है आपको, केरल टॉप पर ही देखने को मिलता है। और केरल की अगर राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगा, और इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। यहाँ विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है यहाँ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो आप देखेंगे कि आपका बताया है ना, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 में हमारे गांधी साहब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है, और भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इस दिवस विशेष का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान की पहचान करना है एक तरह से, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 2023 की अगर थीम की बात करें हम लोग, तो इस बार की थीम रखी गई प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 9 जनवरी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एक तो आप देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक आप देखते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, दोनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और आप देखते हैं कि 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार दिवस 2006 में मनाया गया था ये, ठीक है। और आप देखेंगे इसी दिन 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी में बोली गई थी, और ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें 10 जनवरी लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश से संबंधित खिलाड़ी ड्वेन पेटोरियस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये कहाँ के हैं?
भाई ये हैं कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के, जहाँ हमारे गांधी जी साहब कुछ समय के लिए रहे थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसमें आप लोग आईसीसी के बारे में पहले याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन है, सूर्य कुमार यादव भारत के, हैरी ब्रोक इंग्लैंड के, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, ब्रेंट स्टॉक्स, तो हैरी ब्रोक के हैं, इंग्लैंड के हैं, इन्हें मिला है। ठीक है, अब आप देखिए महिलाएं भी कम नहीं है, तो किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? एस गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की है, स्टेफनी टेलर वेंडीज, दीप्ति शर्मा भारत, सॉफी डिवीन, तो ये आप देखेंगे एस गार्डनर हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, तो इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 80 के संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? अवतार, द फेबल मैन्स, टॉप गन्स, किंग रिचर्ड, द फेबल मैन्स को मिला है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे, और हमारे देखिए जिसमें भारत की RRR की ट्रिपल आ रहे हैं ना फिल्म, उसके नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी वुर्स मरे का 82 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है इनकी? किस खेल से जुड़े हुए थे ये आप देखेंगे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, या आप देखेंगे कि या फिर टेनिस, तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। किससे? क्रिकेट से जुड़े हुए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? और न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, आपको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, परमहंस योगेंद्र, तो आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में कि हमारे स्वामी विवेकानंद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इनका जन्म आपको मालूम होना चाहिए कि 12 जनवरी 1853 में हुआ था, 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर, राष्ट्रीय युवा दिवस। विकसित युवा और विकसित भारत इस बार की थीम रखी गई है, तो ये भी आप रखिएगा, स्वामी विवेकानंद साहब। सबसे पहले कब मनाया गया था? 1985 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखेंगे कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद साहब लगा देना, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन RBRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है? बताइए इसमें भाई, के मीनाक्षी चतुर्वेदी, और भी कह रहा है सुरभि जाखमोला, मनीषा झज्जर, पल्लवी गोस्वामी, तो ये आप देखेंगे कौन है, ये है सुरभि जाखमोला। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन। और ये आप देख, दंतक प्रोजेक्ट BRO के सबसे पुराने प्रोजेक्ट में से, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 24 अप्रैल 1961 को हुई थी। अब तक प्रोजेक्ट के तहत बेहतरीन सड़कों का निर्माण भी किया गया है, तो BRO, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने? नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और देखिए क्या है कि भारतीय मूल कहने का मतलब है इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। और आप देखेंगे 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नासा की, और आप देखेंगे वॉशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है ये आप लोग बताइएगा। MS मुरलीधर है, KK वेणुगोपाल, AC चारनिया और JP डोगीवाल, तो इसमें AC चारनिया है। ठीक है, इन्हें भारतीय मूल की हैं और नासा के तकनीकी प्रमुख बनाया गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जारी हुए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हेनली पासपोर्ट में कौन सा मिला है, 81, 85, 87, या आप देखेंगे कि आपका 89? तो आप देखेंगे कि इसमें हमें 199 देशों के भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान मिला है।
और जिसके अनुसार यहाँ के पासपोर्ट धारक दुनिया के 59 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हमेशा की तरह जापान पहले स्थान पर है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग 193 देशों की वीजा फ्री सफर कर सकते हैं जापान का, समझ सकते हैं, पासपोर्ट यहाँ का मजबूत है। चलिए ये भी आप लोग याद रखना चाहिए, आप लोगों को रख पाओगे या नहीं रख पाओगे कि परेशानी होगी कुछ, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी खास से पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, बताइए। एनएलए पासपोर्ट सुने हैं? ये आप देखिए दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों के बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। और ये इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन द्वारा स्थापित किया गया और रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित होता है। और इसे 2006 में लॉन्च किया गया था, इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट शामिल हैं इसमें, तो 85 आप लोग लगा देना। कौन तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? ये आप देखेंगे कि तेलंगाना को आपको मालूम होगा कि 2014 में अलग राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, इसकी राजधानी हैदराबाद है, किसकी, तेलंगाना की, ये भी याद रखिएगा। और तेलंगाना की वर्तमान मुख्यमंत्री आप लोग देखेंगे कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 17 सीट, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 112,077 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है तेलंगाना, 2 जून 2014 में राज्य बनाया गया था। तो इसमें कौन होंगी, नीलम शर्मा, शांति कुमारी, मधुराना, रेणु सहवाग, ये आप देखिए शांति कुमारी हैं, कौन है, शांति कुमारी हैं। अगला क्वेश्चन, किस आईटी कंपनी कॉग्निजेंट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, बताइए। ये आप देखेंगे कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन नैस्डैक अमेरिकी कंपनी स्थित, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, 26 जनवरी 1994 को हुई थी इसकी स्थापना, ये जरूर आप लोग। तो इसे में किसे बनाया गया है, रवि कुमार, जितेंद्र सिंह, अरुण गोयल, दिनेश पांडे, तो इसमें रवि कुमार होंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। प्रीति बस, पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे, तो ये आप देखेंगे 15 जनवरी, 13 जनवरी, 17 जनवरी या 20 जनवरी, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्या 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी 1949 से शुरू हुआ, एक तरह से आप देखिए सेना दिवस के रूप में हुआ है। और 15 जनवरी 1949 को करीब 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर संभाली गई थी, संभाली गई थी, ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश से संबंधित सुंदरी आर बोनी गर्बियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, तो प्रतियोगिता जीती है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी, स्विट्जरलैंड, कहाँ की हैं ये, कहाँ की हैं ये, तो ये यहाँ अमेरिका की, कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर बोनी गर्बियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस शहर में हुआ था, जिसमें आप देखिए 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया था इसमें। चलिए अपने भारत में सबसे पहले किसने जीता था, आप लोग अपना उनका नाम नीचे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे आर्मेनिया में भारत की अंगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, आर्मेनिया में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप देखेंगे कि रंजीता गोयल, सोनाक्षी नीलाक्षी सिन्हा, सुमन जयसवाल, पूजा त्रिपाठी, और पश्चिम एशिया यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है आर्मेनिया, तो इसमें आप देखेंगे कौन है, नीलाक्षी सिन्हा होंगी, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। प्रीति बस, पूरे भारत में स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 13, 16, 17 या आप देखेंगे कि 18, तो 16 जनवरी को ही मनाया जाता है, स्टार्टअप्स काफ़ी बढ़ रहे हैं स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, सुनील सिंह राणा, राजेंद्र मल शर्मा, पंकज कुमार सिंह या वरुण सिंह दत्ता, तो पंकज कुमार सिंह होंगे,
भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बताइए। एनडीआरएफ का। ये 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, 18वां 19 का, या आप देखते हैं कि 20वां 21वां, तो ये 18वां मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? सीकर, कोल्लम, गांधीनगर, दीमापुर। तो ये आप देखेंगे कोल्लम बना है। कौन सा? कोल्लम, केरल का है। ठीक है, और हर देखिए संविधान के प्रति तो हर लोग, हर देश के नागरिक को मिला होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप देखेंगे बी ऑप्शन ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी कियर्नल ऑयल एंड गैस के नए सीईओ बने हैं? बताइए। निक वॉकर, ए सूडो वाटसन, मैट जॉनसन, रूसो मिलर। तो ये निक वॉकर होंगे, यानी कि बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये आप लोग, इसकी स्थापना 21 अगस्त 2006 में हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। किस हैपकिंग्स को किस देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस हैपकिंग्स को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, पोलैंड। तो ये बनाया गया है न्यूजीलैंड के, भाई कहाँ के? न्यूजीलैंड के। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताया नहीं, न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास आपको देखने को मिलेगा। और ठीक है, किस भाषा के मशहूर कवि नीलमणि फुकन का 90 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? बताइए। एक असमी, मराठी, कन्नड़, गुजराती। तो ये आप देखेंगे कि असमी साहित्यकार थे। और साहित्य में फुकन के समग्र योगदान के लिए 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इस प्रकार वह वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ममोनी इंदिरा राय सम गोस्वामी के बाद असम में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। और असम की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बंगलादेश से लगती है। और राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। ठीक है, वर्तमान में यहाँ देखेंगे आप लोग तो जगदीश मुखी राज्यपाल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कौन अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी है? अनीता डेविड, सीमा वाटसन, अरुणा मिलर, मानवी एलेक्स। आप देखिए दुनिया भर में लोग रह रहे हैं, अरुणा मिलर होंगे भारतीय मूल के। तो ऐसा भी समय आ रहा है कि अब वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं ऋषि सुनक। ये भी तो, इनका भी तो संबंध भारत से रहा है। प्रति वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाते हैं? तो पराक्रमक दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो ये आप कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस साहब होंगे। और आपको मालूम होगा सुभाष चंद्र बोस साहब की अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं? अमित सिसोदिया, गोपाल तिवारी, राकेश चौधरी, या आप देखेंगे कि विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त ही होंगे इसमें, डी ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता किस तारीख को मनाया जाता है? कि मतदाता यानी कि वोटर जागरूक हो और वोट करने घर से निकले। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये आपका मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। ठीक है, और इस बार की थीम रखी गई है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है।
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर वोट ना डालने जाए लोग तो लोकतंत्र का कोई मतलब भी नहीं रहता है। 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए जिस दिन आप देखते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 2011 से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। प्रति वर्ष 24 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में इनका मनाया जाता है बताइए। तो ये आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के कितना सुषमा स्वराज, सावित्री बाई फुले, सरोजनी नायडू, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, आप देखते हैं इनका पूरा नाम था, इंदिरा गांधी के जन्मदिन को मनाते हैं। 19 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रहा था कि एक महिला देश की प्रधानमंत्री बन रही थी, और अभी तक एक ही महिला प्रधानमंत्री रही है, अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है, तो इंदिरा गांधी। इन्हीं के समय आप देखते हैं 1975 से 1977 के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इन्हीं के समय पाकिस्तान ने भारत से टक्कर ली थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बांग्लादेश जो आज आप लोग देख रहे हैं ना, इन्हीं के समय आज़ाद हुआ था। 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे कि 2019 में, 2017 में, 2014 में या 2011 में। तो ये आप लोग देखेंगे कि 2019 में मनाया गया था, कब, 2019 में। और 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। इस बार इसकी थीम रखी गई टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन रखी गई है। और याद रहे 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। शिक्षा जरूरी है। और ICC अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है बताइए। इसमें आप देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव, टॉम लेथम, बाबर आजम, जॉस बटलर, तो ये बाबर आजम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्हें चुना गया है। अगला देखेंगे ICC अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। दीप्ति शर्मा, नेट सिवर और तहिला मैकेग्या और बेथ मुनी, तो ये आप देखेंगे नेट सीवर होंगी, इंग्लैंड की हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पद्म अवार्ड की शुरुआत पद्म कब हुई थी, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1954 में हुई थी। तो बताइए कितने लोगों को, 104, 106, 109, 114, माफ करिए 1114 लिख दिया है, देख लीजिए। तो 106 लोगों को दिया गया है, 106 लोगों को टोटल, 6 पद्म विभूषण दिए गए, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री दिए गए हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो बालकृष्ण दोस्ती को मिला है मरने के बाद, जाकिर हुसैन को मिला है, SM कृष्णा को मिला है, दिलीप महालनोबिस को मिला है इन्हें मरने के बाद, श्रीनिवास वर्धन को मिला है, मुलायम सिंह यादव को मिला है मरने के बाद पद्म विभूषण। पद्म भूषण की बात करें तो SL भैरप्पा को मिला है, कुमार मंगलम बिड़ला को, दीपक धर को, वाणी जयराम को, स्वामी चित्रा जियर को, सुमर कल्याणपुर को, कपिल कपूर को, सुधा मूर्ति को, कमलेश डी पटेल को। और पद्मश्री तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को मिला है, 91 लोगों को मिला है। तो इन सब के नाम आप लोग याद रखिएगा, और सभी के नाम आप लोग नहीं पद्मश्री वालों को रख पाएंगे, तो जो आपके राज्य में चर्चा में रहे हों या देश में चर्चा में रहे हों और आप जिस राज्य से हैं वहाँ के अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है, ये आप लोग जरूर देख सकते हैं। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित गौतम, सिद्धार्थ शर्मा, मनीष वर्मा, राहुल वर्मा, तो ये आप देखेंगे किसे बनाया गया है, सिद्धार्थ शर्मा को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 2023 में यानी कि 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, 74वां, 75वां, 77वां, 79वां, तो ये 74वां मनाया गया है। आप सभी को मालूम है कि 25 जनवरी
कब, 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान भी लागू हो चुका था और उस दिन गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त को हर साल आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आप देखेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसमें आप लोग 25 जनवरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 25 जनवरी लगाएंगे। और इस साल की थीम रखी ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, ठीक है। पिछले साल की थीम 2022 की थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इससे पहले 2021 में राष्ट्रीय पर्यटन थीम रखी गई थी देखो अपना देश के नाम से, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और आपको बताया ना कि बहुत बड़ा योगदान देता है अर्थव्यवस्था में हमारी, तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। और इस दिवस की शुरुआत साल 1948 में हुई थी और इसे 3 साल बाद 1951 में कोलकाता चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालयों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सी मनाई गई है, लाला लाजपत राय की 158वीं मनाई गई है। और लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से अभी आप लोग जानते हैं, और गरम दल के नेता थे। 28 जनवरी 1865 में इनकी जन्म हुआ था, 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई थी। पेट्र पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? चेक गणराज्य, कंबोडिया, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, बताइए किस देश के बने हैं? चेक गणराज्य के बने हैं। कहाँ के बने हैं? चेक गणराज्य के बने हैं, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने वोमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, बताइए? तो आप देखेंगे कि हमारी प्यारी भारत टीम ने जीता है, ठीक है, महिलाओं की लड़कियों ने, ठीक है, महिलाओं ने। और आप देखेंगे कि जीत लिया है भारत ने। और साउथ अफ्रीका के पोचेफ स्टूम में खेले गए फाइनल मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है, और साथ ही यह भारत यह टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बन गया, क्योंकि यह पहला मौका था जब ICC की तरफ से महिलाओं का अंडर 19 विश्व कप आयोजित किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। किसी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जरूर याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास, जेसन कुबलर, तो ये आप देखेंगे कौन होगा, ये होंगे नोवाक जोकोविच, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर्बियाई स्टार खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का किताब जीता है, ये आप देखेंगे आरेना सबलेंका होंगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ की हैं, सर्बियाई स्टार खिलाड़ी हैं, माफ करिए, सर्बियाई खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलियन जीता था, और इस प्रकार जोकोविच, और इसके अलावा महिला वर्ग में यह खिताब रूस की आयना सबलेंका ने जीता है, रूस की हैं ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली में, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 31 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए आप देखते होंगे 23 मार्च को भी आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ लेकिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, ये आप देखेंगे प्रतिवर्ष, तो आप देखेंगे कि ये 30 जनवरी 31 जनवरी या फिर आप देखेंगे कि 28 जनवरी 27 जनवरी, तो ये आप देखेंगे 30 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य लोगों के बीच कुष्ठ रोग को लेकर जागरूकता फैलाने और रोकथाम के लिए है।
और ध्यान रहे सबसे पहले कुष्ठ रोग दिवस फ्रांस के समाज से भी राउल फुलेरो द्वारा साल 1954 में मनाया गया था। इस दिवस की थीम एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी रखा गया है। ठीक है, चलिए, खेल किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मुरली विजयन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, बताइए। ये आप देखें क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और क्रिकेट वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। किस क्रिकेट टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है, बताइए। ये आप देखें उड़ीसा में हुआ ना, उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में खेली गई हॉकी। जर्मनी ने बेल्जियम को शूटआउट में 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया है, और इससे जर्मनी ने इससे पहले 2002 में 2006 में भी खिताब जीता है। वहाँ वही पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने वाला रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर है, जिसने 4 बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें आप लोग जर्मनी लगा देंगे, क्या लगा दोगे, जर्मनी लगा दोगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जनवरी में जो घटनाएँ घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम लोगों ने देख लिया है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि फरवरी महीने में जो भी घटनाएं घटेंगे उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, और बताना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है।